अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, अगर आप गंदम के काश्तकार हैं तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। आज वीडियो का टॉपिक है कि पानी कब और कैसे लगाया जाए, पहला पानी किस वक्त लगाया जाए और गंदम में क्या चेंजिंग आ जाए तो पानी लगाना चाहिए, और पहले लगाने के नुकसान क्या हैं और बाद में लगाने के नुकसान क्या हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये अभी गंदम की बिजाई हुई है, ये अभी है ज़रा कम दिन होगी गंदम। दोस्तों, इसमें ना दो तरह की जड़ें होती हैं, रूट्स जो है ना दो तरह की होती हैं। दोस्तों देख रहे हैं, ये कुछ बीज से निकली रूट्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिनल रूट्स, जो उसकी पहली जड़ होती है, प्राइमरी रूट्स कह लें। मतलब मैं कोशिश करूँगा टेक्निकल अल्फाज का कम इस्तेमाल करूँ और सादा और आसान अल्फाज में समझाऊँ ताकि मेरे किसान को मेरी बात समझ आ जाए और उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। तो इस पे ना दोस्तों, जैसे ये सेमिनल रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स कह लें चलें इसको, इसके अलावा यहाँ पर मेन स्टेम पर जब इसने यहाँ से रूट्स निकालनी शुरू करनी है उसको कहते हैं क्राउन रूट्स। ये मैं एक पौधा लाया हूँ, वैसे तो ये साथ वाला खेत का है। ये देखें दोस्तों, ये सीड टूट गया था इसका, ये सेमिनल रूट्स और ये जो है ये ऊपरी जो आ रही हैं ये सारी क्राउन रूट्स हैं। क्राउन रूट्स ने ही आपके ये टिलर बनाना होता है, जिसको हम टिलरिंग कहते हैं, पौधा झाड़ मारना कहते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हो जाए ना, क्राउन रूट्स इसकी स्टार्ट हो जाए, सेकेंडरी रूट्स कह लें, दूसरी जड़ कह लें, जब ये बननी शुरू हो जाए तब इसको पहला पानी लगाना चाहिए। और गंदम में जितने पानी लगते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी पहला पानी है और उसकी टाइमिंग है। तो जनरली हम इसको कह सकते हैं कि जब गंदम की बिजाई आपकी करने के ना 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन के दौरान कहीं भी, बाद नहीं 20 से लेके 25 दिन के दौरान कहीं भी आप पहला पानी लगा दें, वो आपका पानी बड़ा मतलब टाइमली लगेगा और उसको वो इफ़ेक्टिव रहेगा। इसका पहला पानी होता है और ये जड़ों की आपको ज़रूर समझ आ गई होगी कि ये जड़ बनना शुरू हो जाए। अब क्या करें, अगर इसको हम लेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी हम लेट कर देते हैं, पहला इससे स्वागे नीचे हमने गंदम लगाई है, पहला पानी लेट कर देते हैं, तो जो इसकी ये जो क्राउन रूट्स है ना, जिसने इसका इसकी झाड़ में मदद करनी है, यानी कि इसके टिलरिंग में इजाफा करना है, टिलरिंग बनाने के अमल में इसको सपोर्ट करना है पौधे को, तो ये रूट्स जो है ना ऊपर की सतह खुश्क होने की वजह से डेड होना शुरू हो जाती हैं, जिसका एक नुकसान होता है। और अगर पानी जल्दी लगा दें, रूट्स तो बनती हैं, पानी जल्दी लगा दें तो उसका नुकसान ही होता है कि फसल कट तो कटती है बहुत अच्छा और बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन उसमें जो पौधे बनने का अमल है वो कम हो जाता है, टिलरिंग कम बनती है, झाड़ कम बनता है। जब झाड़ कम और सीटें कम है तो दाने कम है, दाने कम है तो आपकी औसत कम है। तो पहले पानी जितनी इसकी अहमियत है उतनी इसकी अहमियत जो है ना, मतलब अभी कह लें कि टाइमिंग की है, तो टाइमिंग का दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, 20 से शुरू कर दें, 25 दिन तक कंप्लीट करें, कोशिश करें अपने गंदों को पहला पानी। और दूसरा अगर कोई इम्पोर्टेंट पानी है तो वो होता है जब आपकी गंदम गोब में हो, यानी कि गंदम के अंदर सीटा बनना शुरू हो जाए, तो वो पानी इसके बाद अहमियत रखता है। लेकिन दूसरा नहीं होता वो पानी, तीसरा पानी होता है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ दो पानी है तो आप पहला और तीसरा पानी, यानी कि एक कोर जिसको कह लें, पहला पानी भी इसमें लगना है, कोर कह लें, वो पानी, और उसके बाद जब आपका मतलब गोब की हालत में हो वो पानी, ये दो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही पानी हो तो ये जो पानी है कोर का पानी ये लगाएं, ठीक है। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी पूरी है तो पहला पानी, तो मतलब ये आपको मैंने समझा दिया, दूसरा पानी आप इसका लगाएं जब इसकी टिलरिंग शुरू हो जाए, यानी कि पहला पानी लगाने के बाद जब देखें इसका झाड़ बन रहा है तो दूसरा पानी लगा दें, और तीसरा पानी आप इसको लगाएंगे जाके जब आपका नाड़ के अंदर सिटा बनना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर आप तीसरा पानी लगा दें, और चौथा पानी आप लगाएंगे जब आपकी गंदम दूधिया हालत में हो, दाना बन जाए, सिटा बाहर आ जाए और दाना दूधिया हालत में हो, तो चार पानी बहुत ज़्यादा अहम है, और ये चार पानी अगर अवेलेबल हों तो ज़रूर लगाना चाहिए। अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो जिस तरह मैंने बताया दो पानी बहुत अहम है, और अगर दो भी नहीं है एक है तो पहला पानी सबसे अहम होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।